कभी आप सिर्फ कह दें ना मेरा रब मेरे साथ है इस लफ्ज़ में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे जेर हो जाता है ज़िंदगी में किसी से भी लड़ाई हो तो अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है अगर आप ज़्यादती पे हैं तो फिर रब मज़लूम की जानब है अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती और अगर आप मज़लूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं कहाँ भी हैं आप कमज़ोर हैं ताकतवर थे इब्तदा इस्लाम में जाहिरी ताकत थी कुफ़ार मक्का के पास वो डंडों से मारते थे गरीबों को उनके हाथों में डंडे थे पर खुदाई ताकत इन मज़लूमों के साथ थी साब जुरकानी ने लिखा है हज़रत जुनैरा रदी अल्लाह तन एक लौंडी हैं गरीब हैं माड़े दा की काम मुहम्मद ना सजाना या रोना गरीब शादी बीबी और लौंडी कनीज़ा एक मुशरक़ की कनीजा थी इन्होंने कलमा पढ़ लिया वो डंडों से मारता दुर्रों से मारता तकलीफ़ देता हज़रत जुनैरा रदी अल्लाह ताल को इतना मारा इतना मारा अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है अल्लाह की मदद इधर ही है रब कहता है कि पहले तू सबर करना इन मिन तू सबर करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी ज़रा ठहरना तो थोड़ा डटना इन अजीन कल रब्लास्त काम तत नजल अलमलाय तू कह अल्लाह मेरा रब है फिर तू पहले डाट पहले तू ने डटना है सुबस्त काम जो डट गया तत नजलमलाय का डटने वाले के लिए मदद आती पहले थोड़ा ना पड़ता है पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है हौसला करना पढ़... उसके बाद मदद आती मार पड़ रही है मारा जा रहा है हज़रत जुनैरा को उनका मालिक जो है ज़ाहरी आका वो मार रहा है ये कनीज़ा है माँ इतना मारा इतना मारा उनकी बिनाई चली गई नजर आना बंद हो गया अबू जहल आया और कहने लगा सुनहरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए माजल्ला अला ला तो मनात तो हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है रोती जा रही है मायूसी मायूसी माजल्ला परेशानी गरीबी बड़ी है पूछने वाला कोई नहीं ये बातें नहीं क्या जुमले हैं खातून के क्या लफ्ज हैं अबू जाल ने तंजिया कहा माजल्ला कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने जानदा कर दिया तो जनाबे जुनैरा आंखों की बिनाई गई है रात को गई है दुख अभी ताज़ा है लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है इतना ताकतवर है उसमें इतनी गहराई है हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया फरमाने लगी तुम्हारे बुतों की क्या औकात है क्यों मेरी बेनाई ले जाए ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बेनाई चली गई और अगर वो चाहेगा ना तो बेनाई वापस भी कर देगा अगर हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें अगर वो चाहेगा तो बेनाई आ भी जाएगी हजरत जुनैरा ने रात को यह लफ्ज कहे अबू जाल और सारे कुफार डर के सुन के चले गए आप इतमिन से आके बिस्तर पे सोई जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी आंखों की अब छड़ी पकड़ी है बाजारों में घूमती है कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी आकर मेरे साथ इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं बीमार लोगों याद रखो कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है तू बड़ा कमज़ोर है ये हो गया वो हो गया तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा कमज़ोर हो जाना परेशान हो जाना तकलीफ़ में आ जाना पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें रसूल कायनार से रिश्ता मजबूत करें अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वह रब का नाम लेके जी सकते हैं जो अपनी जिंदगी में खुशियाँ देखना चाहते हैं तो रसूल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं तोकुल की बुनियाद पर बंदा खुशियाँ ले सकता है और अगर इंसान में तवक्ल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है वो नीले से भी डर रहा है वो पीले से भी डर रहा है वो फलाने से भी डर रहा है वो मेरे खिलाफ़ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा उठ बांध कमर क्यों डरता है फिर देख खुदा के